अरे नहीं नहीं क्या कर रही है, इसको गिरा क्यों रही है? ये इस्तेमाल करने लायक नहीं है, इसे फेंकना पड़ेगा। अरे रुक जा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, सीधा कर सीधा कर सीधा। क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे नहीं करना। नहीं नहीं क्या कर रही है, इसको गिरा क्यों रही है? अरे इसको वापस गैस पे रख। अरे क्या हुआ, मेरी बात तो सुन, सुन तो सही, इस गैस को तो ऑन कर। ये खराब नहीं है तेल यार, देखो कितना खराब। अरे तेल खराब नहीं है क्या दोस्तों, आप लोग भी इस तेल को फेंक लेते हो क्या? अरे नहीं भाई, इस तेल को फेंकना नहीं होता, एक ही बार इस्तेमाल करके तेल खराब थोड़ी हो जाता है। तो अरे अभी इसको ठीक करके दिखाता हूँ कैसे होगा। गैस को ऑन कर फटाफट। कर दिया, हटाओ फुल आंच पे कर, कर दी, ये फुल आंच है बस। अब एक काम कर, कॉर्नफ्लावर से निकाल, अपना से कॉर्नस्टार्च निकाल, दे कॉर्नफ्लावर दे, ये लो। तो एक कॉर्नफ्लावर है दोस्तों, इससे एक बहुत ही बढ़िया जादू होने वाला है आज। लगभग 3 चम्मच के आसपास कॉर्नफ्लावर निकाल लिया हमने, और पानी लिया सौम्या। ये बहुत सस्ते दामों में बाजार में 20 रुपए का पूरा पैकेट मिल जाता है, और इसमें हमने 2-2.5 चम्मच के आसपास निकाल लेना है, और ज्यादा तेल है तो 3-4 चम्मच निकाल लो। और अब इसमें पानी डाल के ना इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं, ठीक है सौम्या? जल्दी ला पानी, क्योंकि अभी हमारा ना गैस ऑन है, तो गैस ऑन है तो पानी, अगर ये ज्यादा ऑयल गर्म हो जाएगा ना तो वो जलने लगेगी सारी सामग्री। इससे बढ़िया है कि हम इसको पानी डाल के फटाफट से घोल तैयार कर लें। कितना पानी डालना? बस 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 काफी, एक बार घोल बना के देखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो और डाल लेंगे थोड़ा। हाँ गाढ़ा पेस्ट बना लें बस, परफेक्ट है, हल्का सा गाढ़ा भी हो जाएगा अभी रखे रखे 1-2 मिनट में ना, इतने भी ऑयल जो है अच्छे से गर्म नहीं है, क्योंकि ना ये ना हमने एकदम परफेक्ट एकदम जब हीट होगा ना तब डालना है। मिल जाएगी, दिखाइए सौम्या कैसी कंसिस्टेंसी इसकी। तो आप ना इसको फेंकना मत तेल को भाई, गड़बड़ कर देते कभी हम, और तेल इतना फ्रेश लगे, देखो बॉयल आना शुरू हो गया है, अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो हिलने शुरू हो गए हैं। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, हमने इसको छानना क्यों, छाने बिना क्यों ये काम करा, क्योंकि अगर छानते ना तो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स फिर मुंह में आते हैं। आप देख सकते हो गंदगी कितनी ज्यादा है इसमें इस वक्त, एकदम क्लीन हो गया ये जो तेल है ना सौम्या, एकदम नए जैसा होने वाला है, सच में पक्की बात है। और इसका ऑयल आ गया, मुझे लगता है बॉयल आने लगा है सौम्या। इसको ना गोल घुमा के ना एकदम पिज्जा बेस की तरह डालना, तूने पूरे में फैला देना, गोल गोल डालें क्या? परफेक्टली तैयार है हमारा मिश्रण जो है, तैयार है मिश्रण सौम्या। आप निकालने की कोशिश कर, डाल तो अब डाइट डालने, बॉयल आ रहा है इसमें, तो मैं डालूं क्या? देखो डर लग रहा है तो बुलबुले उठेंगे, तो कोशिश कर लेते हैं भाई एक्सपेरिमेंट करके। तो ये बॉयल आ गया, आपको दिख रहा है सारे जो पार्टिकल्स है ना इससे ऊपर चिपक जाएंगे, और ये एकदम क्लीन होने वाला है ऑयल, आपको इसकी फ्राई की पूरी आवाज आ रही है, और ये ना धीरे धीरे हर एक पार्टिकल को, हर एक कण को अपने साथ चिपका लेगा। पहले मुझे डर लग रहा था। नहीं नहीं ये परफेक्ट हो जाएगा एकदम, ये अपने अपने ऊपर चिपका लेगा सारी चीजों को अच्छे से। आप देखोगे सारे पार्टिकल जो है ना धीरे धीरे चिपक जाएंगे इसी के ऊपर। चिपकना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों ये मैक्सिमम पार्टिकल जो है ना वो अपने में चिपका चुका है, ले चुका है। गैस को मैंने थोड़ा सा सिम कर दिया था क्योंकि बुलबुले बहुत ज्यादा तेज आ रहे थे। सौम्या इसे निकाल के देखियो कि काम हो चुका है क्या हमारा, एक आध कोई छोटा मोटा आर्टिकल, एक आध कोई छोटा मोटा अगर पार्टिकल रह गया तो देखो उसके लिए मैं कह नहीं सकता हूँ यार, मेहनत पूरी करिए। तो कुछ दिखा तेल की कंडीशन, दिखा इसे प्लेट में निकाल ले, ये ले। भाई तेल तो यार एकदम, देखो इस पे डस्ट, पहले तो तेल देखो यार आप, एक आध पार्टिकल रहा है तो देखो भाई वो तो छन्नी में या चम्मच से भी आ जाएगा अब, लेकिन रियलिटी देखो भाई, यहाँ सारे पार्टिकल इसके ऊपर चिपक चुके हैं, और ना इसको स्क्रैच करके देखो कितना अच्छे से चिपके हैं, सब चिपक गए इसके ऊपर, कुछ उखड़ नहीं रहा। और तेल की क्वालिटी देखो यार, एक दो पार्टिकल है वो भी ऐसे कच्ची में निकले, गैस को बंद कर देते हैं हम, और तेल एकदम क्लीन दिख रहा। तो आज के बाद भाई तेल वेल फेंकना बंद है, और हमें इसके लिए रामबाण मिल गया, ये है भाई कॉर्नफ्लावर जो जादू कर देता है तेल के साथ। और होटल्स में भी अक्सर ना दोस्तों आप देखोगे होटल्स वाले भी अपने तेल को ऐसे क्लीन करते हैं, तो आपके पास अब एक बहुत ही अच्छा उपयोग चीज मिल गई है ऑयल को कैसे एकदम नीट एंड क्लीन करने का। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डिलीशियस फूड का जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि तेल बर्बाद ना हो, तेल बहुत महंगा हो रहा है और लोग इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे, सही कह रहा हूँ सौम्या? दोस्तों अगली ट्रिक है हमारी, जहाँ भी हम चम्मच फॉक कांटे जैसी चीज़ें, चक्कू जैसी चीज़ें स्टोर करते हैं उसमें मिक्स हो जाती हैं सारी चीज़ें स्टैंड में, हमें मिल नहीं पाता। कभी कभी कांटा उठाना होता है, चम्मच उठा लेते हैं, चाकू उठाना होता है, स्पैचुला उठा लेते हैं। तो आप कीजिए कोई भी दो बड़े रबड़ ले लीजिए, और उन दो रबड़ से आप 4 पार्टीशन बना लीजिए। ये कभी कभी थोड़ा सा स्लिप हो जाता है रबड़, लेकिन आपके इजीली 1-2 अटेम्प्ट में रबड़ अच्छे से लग जाएगा।
फिर उसके बाद पार्टीशन बनते ही आप क्या कीजिए, अलग अलग पार्टीशन के बाद एक पार्टीशन में आप रखिए चम्मच, एक में रख सकते हैं आप अपने कांटे, बाकी सारी चीज़ें भी ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमने कांटे रख लिए, चम्मच रख लिए, अब चाकू रख लेते हैं और स्पैचुलास रख लेते हैं। तो इससे आप इजीली कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको जो उठाना है वो आपको पार्टीशन मिल जाएगा और आप इजीली इसको उठा सकेंगे। हमारी अगली ट्रिक और भी ज़्यादा यूनिक और ज़बरदस्त है दोस्तों। घर में जब भी हम यूज़ करते हैं हमारे धागे, तो इन धागों में जो एंड होता है वो हमेशा खुला हुआ रह जाता है। देखिए कैसे फैल रहा है एंड का धागा। तो इसको इंटैक्ट रखने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमारे घर में पीवीसी पाइप्स तो सभी के होते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा या फिर भाग ऐसे काट लीजिए। इसको बेहद ही ज़्यादा आसानी से काटा जा सकता है और उसके बाद क्या कीजिए, ये पीस आपके इस्तेमाल में हो जाएगा इसी धागे के ऊपर लगाने के लिए, कि ये धागे का जो एंड पार्ट है वो धागे को पूरा पूरा खोलता ना रहे और ऐसे ही इंटैक्ट रखे। ये देखिए दोस्तों, हमने अपना पीवीसी पाइप जो होता है घर का वो काटा थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, इसको बीच में से काट लेंगे। बीच में से काटने के बाद अपने धागे पे, जहाँ पे धागा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे लगा लेंगे। उससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करेगा, धागा इजीली हर बार मिल जाएगा। ये देखिए लगा के दिखाते हैं दोस्तों आपको, और हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी भी कि हमारा धागा कहाँ है और वो खुला हुआ या उलझा हुआ क्यों है। तो ये देखिए धागा यहाँ पे एंड हो रहा है, अब बस इसी पे एक कैप लगा देंगे यहीं पे और हमारा धागा ये फैलेगा नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी इजीली लगा दिया, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं चलता हूँ, ये ट्रिक ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, कमेंट करके जाइएगा, और अगर आपके मन में भी कोई ट्रिक है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखें, धन्यवाद फ्रेंड्स।